उठा के लेगा कोई। स्टार्ट हो गया, तुम पढ़ाना शुरू करो। भाई कहाँ तक पढ़ाया था? कार्टेजियन प्रोडक्ट हो गया था। मैं तो ये पढ़ाया था अभी कल, मैं तो पढ़ाया ये तो मैंने कर लिया, कब कितना कर लिया? ये तो मैंने सारी एक्सरसाइज कर ली इसकी, एग्जांपल भी प्रैक्टिस। अच्छा ये सेट हो गया, सेट तक हो गया हाँ पूरा। मेरा तो हो गया। अब ये कार्टेजियन प्रोडक्ट रहेगा। अगले अगले एक्सरसाइज है ना, यही अगले वाली, ये रह रहा, ये रह रहा ना। अब ये बताओ जो सेट है इसमें एक बार देखो, दिखा दियो सेट वाली एक्सरसाइज, कर लोगेगा? क्योंकि थोड़ा बहुत मगर थोड़ा अपर लेग का पढ़ा देगा ना फिर आपको। ये सेट वाली एक्सरसाइज देख लो, 2 मिनट का समय है इसमें, अगर कोई लगता है कोई चीज़ पीछे लगी हो। ये तो मेरे पास हो गया ना, मैं तो कर दूंगी हाँ इसे बस कर लूंगी, इसे आ जाएगा, फिनिश कर लियो। सर। अच्छा जो आईआईटी कॉलेज में एडमिशन होता है इसका, वहाँ पे क्या आपका पढ़ाई होती है? मतलब जो इंजीनियरिंग करने के लिए वहाँ पे ये तो आपकी बोल रही थी कोर्स ही होता है वहाँ पे, कोर्स, मतलब बीटेक नहीं होती वहाँ पे। अरे उसको बीटेक देखो, एक सुनो मेरी बात, बीटेक और पीजी एक ही चीज़ है, बैचलर कोर्स, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये दोनों ही कोर्स कराए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम नॉर्मली इंजीनियर्स बोलते हैं, समझ गया? अब ये डिपेंड करता है कि आईआईटी कॉलेज से कर रहे या आप एनआईटी कॉलेज से कर रहे या किसी प्राइवेट कॉलेज से कर रहे, यही 2 कोर्स कराए जाते हैं, आईआईटी वाले भी बीटेक ही करते लेकिन हैं। फायदा किस में है? फायदा ये है जो आपके आईआईटी कॉलेज, क्लियर है, ये इंडिया के टॉप 10 है, लगभग 10 आईआईटी कॉलेज है, 10 है, 7 है, ये 23 23 है। नाम से 23 28 नहीं है, 10 11 है, इससे ज़्यादा नहीं है। और इनकी टोटल जो सीट है वो 10,000 है, ठीक है? वर्तमान में बात करो, अगर आप किसी भी एक प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करते हो तो आपका जो प्लेसमेंट होता है लगभग लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये मंथली सैलरी, इससे ज़्यादा फिलहाल दे नहीं, इससे भी कम में हो जाएगा, कोई ज़्यादा ही अच्छा किसी का प्लेसमेंट होगा भले ही थोड़ी बहुत ही बढ़ जाए, ठीक है? प्राइवेट कॉलेज के बाद अगर कुछ अच्छे रेपुटेड कॉलेज हैं, सरकारी वैसे भी हैं, जैसे यूपीटी में, बीएसटी में, एचपीटीआई कानपुर वगैरह वगैरह, तो हो सकता है कि वहाँ पैकेज आपको 1 लाख रुपए पर मंथ का मिले, ठीक है? वहीं पे जब आईआईटी कॉलेज से आप बीटेक करोगे तो किसी कंपनी की हिम्मत नहीं है कि वो आपको कम से कम 2.5 लाख रुपये पर मंथ से कम आपको प्लेसमेंट कर दे, ठीक है? बाकी प्लेसमेंट अभी आईआईटी रुड़की से पिछले साल हुआ 2.43 करोड़ रुपये साल, यानी कि 12 लाख रुपये महीना, 12 नहीं, ये 12 दूनी 24, 20 लाख रुपये महीना जिन्हें प्लेस, हमारे जो आईआईटी कॉलेज से प्लेसमेंट होते हैं वहाँ बहुत अच्छा पैकेज मिलता है, मतलब करोड़ों में प्लेसमेंट होता है, और टॉप मोस्ट कंपनी आती है, विदेशों से भी आती हैं, इंडिया से भी आती हैं, तो ये फायदा है कॉलेज का, ठीक है? अब पढ़ाई क्या होती है, फर्स्ट ईयर में तो आपको यही पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, एक दो कोर्स लगा देंगे, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको एमएससी तक का मैथ पढ़ा देना, इतना तक का मैथ होता है, फिजिक्स होती है चीज है। सेकेंड ईयर में फिर आपने अगर आईटी ली, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसकी बुक्स हो जाएंगी, अगर कम्युनिकेशन वाली ली उसकी हो जाएंगी, मैकेनिकल ली तो उसकी हो जाएंगी, सिविल इंजीनियरिंग ली तो उसकी अलग अलग, फिर अपनी अलग अलग ट्रेड हो जाते हैं, फिर आपको वो पढ़ना होता है, इसका ये कोर्स 4 साल का, ठीक है? अब बात वही है कि आपको लेवल क्या होना चाहिए मैथ्स का, मैथ्स का मैंने पहले बताया था आपको कि अगर आपको स्टार्ट करना है तो समझिए आप, आपको सबसे पहले एनसीईआरटी जो 11th की और 12th की है, क्लियर है? बुक ये तो मैंने ले ली, मतलब ये एक तो एनसीईआरटी ली और एक आरटी शर्मा की, पहले मैं दोनों सिर्फ एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, आरटी शर्मा का आप 11th की चाहे ना भी लो कोई दिक्कत नहीं, सीधा नहीं वो लीजिए मैंने कितने ली, कितने कितने की आई, कितने वो तो मतलब पुरानी ली मैंने, की मिली, 700 लेकर आना फिर, तो ठीक लेके है? आऊंगी, इतनी मोटी मोटी हाँ है। हाँ ठीक है, ये आपके टिप्स पे होने चाहिए, टिप्स का मतलब उंगलियों पे, जैसे हम पढ़े याद करते हैं कि 2 2 2 2 4 2 3 6, इस तरह से इसके टोटल फार्मूले, इसके सारे कॉन्सेप्ट ये आपके दिमाग में होने चाहिए। एनसीईआरटी हाँ, और ये मेरा प्रॉमिस, अगर आपके ये कॉन्सेप्ट होंगे उसके बाद आर टी शर्मा पढ़ लो, TMH पढ़ लो, कोई भी बुक पढ़ोगे तो वहाँ उन्हें तुम खुद पढ़ के एग्जाम क्लियर कर सकते हो, फिर आपको कोचिंग की जरूरत, कोचिंग की जरूरत तब पड़ेगी कि इन्हें आप ड्रॉप करके रखेंगे और सीधी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ोगे, तो फिर आपको परेशानी, इसमें समय लगाओ,
समय कितना लगाना? तो सर मैं एनसीईआरटी करती हूँ, फिर देखती हूँ। अब समय कितना लगाना एनसीईआरटी में? आपको पढ़ाई रहा हूँ, मेरे साथ ही से कवर करते चलो। किसी भी टॉपिक पे 10-11 लेक्चर मिल रहे हैं या 6 मिल रहे हैं, 8 मिल रहे हैं, कोशिश ये करो कि उसके आधे लेक्चर में, मतलब 8 लेक्चर मिले तो एटलीस्ट 5 लेक्चर में आपके एनसीईआरटी पूरी हो जाए। 3 लेक्चर में थोड़े यहाँ पे इंजीनियरिंग के क्वेश्चन डिस्कस कर ले, थोड़ा आपके उनको लेवल का पता लग जाए। मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चन और इसके फॉर्मूले ये होने चाहिए। हाँ, इसके फॉर्मूले भी, इसमें जो टोटल कंसेप्ट आ रहे, जो चीज़ें समझा रहा, हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं कन्फ्यूजन रहेगा फिर परेशानी आएगी आप, क्योंकि हमेशा ना तो आप कोचिंग कर पाओगे ना तो आपकी इतनी बैकग्राउंड है कि आप 1-1.5 लाख रुपए दे कहीं कोचिंग कर लोगे। समझे नहीं, तो ऐसी स्थिति में बहुत दिक्कत आएगी आपको। यहाँ से यहाँ जब IIT की चली है, पिछले साल चली थी, एक बच्चा आया था उधर ही जाना बंद कर दिया। देखो मैं एक चीज को तो आश्वस्त कर, देखो मैं सिलेक्शन एक चीज पर डिपेंड नहीं करता कि आपका एक सब्जेक्ट से सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन में आपको पता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में आ गया। दूसरी चीज सोचने वाली बात है कि यहाँ लेक्चर लिमिटेड है, क्लियर है। प्राइवेट में जाओगे वहाँ एक ही चैप्टर को पता नहीं 1 महीना पढ़ाते हैं, 1.5 महीना, कितने दिन लोग हैं जितने, मतलब क्लियर हो जाता है। वहाँ 1.5 लाख फीस लगते हैं, लेकिन इतना प्रॉफिट में जरूर कर सकता हूँ कि आपकी स्थिति बहाल ऐसी है जैसे एक लंगड़ा व्यक्ति चलता है, लेकिन अगर आपने यहाँ से ये चीज़ें पढ़ ली तो आप उसके बाद मैथ में रन कर पाओगे, दौड़ोगे, आपको कोई इशू नहीं होगा। क्लियर है क्या सर? हाँ जी 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 हाँ, एक्चुअली IIT JEE के लिए इतने बच्चों ने ही काउंसलिंग कराई थी। काउंसलिंग में 2 ही बच्चे बता रहे थे, वो उसमें बहुत हमने बताया फिर नहीं आता। दोनों बच्चे कैसा लग रहा है पढ़ने में? आप अच्छा तो आप जो है रन करना शुरू करोगे। देखिए हमारा जो अगर बेसिक वीक है तो कुछ नहीं कर सकते आप, नथिंग। बेसिक स्ट्रॉन्ग है उसका एग्जाम्पल मैं आपके सामने पढ़ाऊँ। मैंने कभी जिंदगी में ट्यूशन नहीं पढ़ी, क्या किया मैंने, बुक्स अपने आप पढ़ता था, बेसिक सारे क्लियर हुए। मैंने फिर उसके बाद इंजीनियरिंग की बुक भी पढ़ी है, एग्ज़ाम भी बहुत दिए हैं। अलग बात है कि किस्मत है कि हम आज टीचर ही हैं। 2002 मेरा MCA क्लियर हुआ, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। 2007 में सर मैंने बताया था आपको BTEC के लिए दिया था, मेरी 18 रैंक क्लियर, तो उसमें कोई कर सकते हो आप। लेकिन ये ना मान के चलो कि यहाँ से आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये गारंटी ले रहा कि जिस तरह से मैथ में पढ़ा रहा और जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी आप ये अर्ली स्टेज हो सकता है, 1 साल स्ट्रगल करें, 2 करें 4 करें, आगे BTEC करें, और आपसे पहले भी आप पढ़ रहे होंगे। कंपेयर करना कि इस तरह किसी ने पढ़ाया है या आगे कोई भविष्य में पढ़ाएगा, मैथ में आपकी कोई कसर नहीं रहने की। हकीकत तो अदर्स जो पढ़ाएंगे उनका क्या लेवल है, किस तरह से, इस तरह से कोई नहीं पढ़ाता। क्योंकि मैं भी गाँव से ही हूँ, तुम्हारा पड़ोसी ही हूँ, तुम्हारा जनता रोड पर गाँव है, मेरा दूसरे रोड पर है, दो मेरा पीढ़ी पर, इधर कुंवर का कुंवर के साथ सुंदर रेड्डी है, सुंदर रेड्डी साहब के सद्दा माजरा है, सद्दा माजरा अगला मेरा गांव बड़कोती है, ठीक है। तो हाँ चंद्र से नहीं, वो है तो छुड़मलपुर के, वो तो हमारे यहाँ झगड़ा हुआ था, ठीक है। तो आप दौड़ने लगोगे, मैथ सिखा दूंगा कि मैथ एक्चुअल में पढ़ाया कैसे जाता है, और ताकि डिफिकल्टीज ना आए, थोड़ा दोनों लोग अपना रेगुलरिटी बना के रखें और कोर्स को लिमिट के हिसाब से उसको फिनिश करते चले। ये नहीं कि अब क्या होगा, गैपिंग होगी 3-4 दिन तुम आए, फिर 1-2 दिन की तबीयत भी, फिर उधर वे कांवड़ की छुट्टी पड़ गई, फिर अब ये आई नहीं, तो अब आप कंटिन्यू रखें। अगर किसी दिन कोई एक, सुनो मेरी बात, किसी दिन एक मिस होता है या दो मिस, दोनों नहीं आते हो क्लास में, कंटिन्यू रहेगी, अगर आप नहीं आए तो ऑनलाइन होगी। अब ऑनलाइन देखो आप इतनी क्वालिटी अच्छी कैमरे की नहीं है कि आप समझ पाए, ठीक है। तो इसलिए आप जो है क्लास को फिर घर पर देखें, कोर्स कंटिन्यू करें। कार्टेजियन प्रोडक्ट मैं पढ़ा चुका हूँ ऑनलाइन क्लास में, ठीक है। तो सेट साहब अपने आप कर लेना। अब मैं बात करता हूँ कार्टेजियन प्रोडक्ट, क्योंकि यहीं से अब मेन स्टार्ट होता है कार्टेजियन प्रोडक्ट, जिसको हम, ये मेरे हिसाब से यहाँ की जो वो है समाज कल्याण अधिकारी थी, जो आज जिनके अंडर में कोचिंग चल रहा है पूरा, हाँ अधिकारी सारा जो है सारा, हाँ समाज कल्याण अधिकारी है। कार्टेजियन प्रोडक्ट का मतलब है भारतीय गुणनफल,
ठीक है। कार्तीय तल पढ़ाया आपने कभी? बताओ पढ़ा कर। और आपके लिए सबसे बड़ी फैसिलिटी हिंदी के लिए दोनों में अवेलेबल हो रहा है, यह हर टीचर के बस की नहीं है। कार्तीय तल ये पढ़ाना आपने, एक्स एक्स और वाई, यानी कि जिसमें दो डायरेक्शन हो जाए, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। सही तो जहां दो का रेफरेंस लिया जाता है, देखिए सपोज करो कोई पेपर है इसमें मैंने एक पॉइंट लगा दिया, आपसे पूछे जा कि ये पॉइंट पेपर में कहाँ है, क्या बताओगे? कोई लोकेशन बता सकते हो उसकी? या तो आप कहोगे कि लेफ्ट साइड पर थोड़ा पास से कूबे, या ऊपर से लगभग कितना है, मान ली यहाँ पे है, यहाँ लगा दे तो आप लगाओगे कि ऊपर शायद लेफ्ट कॉर्नर की साइड में है, इधर कुछ एग्जिट तो नहीं पता। या आपको ज्यादा इतना बता दो, या आप इतना बता सकते हैं, एक साइड दे दूँ कि लेफ्ट जो एंड है यानी कि जो इधर का छोर है इससे 3 सेंटीमीटर के दूर, इतना पता लग जाता है। अभी भी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं, क्योंकि 3 सेंटर पे तो सारे पॉइंट हैं, इतने में तो 3 सेंटीमीटर पे तो यहाँ जितने पॉइंट होंगे सारे आएंगे। इसके साथ एक और अगर बता दो कि अपर साइड से कितनी दूर है, मान लिया यहाँ से 3 सेंटीमीटर है, तो राइट पोजीशन पता लग गई। दो डायरेक्शन, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अगर हमने दोनों डायरेक्शन डिफाइन कर दी, ठीक है, तो हम किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट वैल्यू पता कर सकते हैं। अब यही कंसेप्ट जो आ गया आपका, एक एक्स एक्स लाइन ली गई, ये रियल लाइन है, एक वर्टिकल कर दी गई, और अब इसी को हमने क्या बता दिया, 2D। 2D का मतलब 2 डायमेंशन, यानी कि जिसमें दो दिशाएं होती है। पेपर है जितना भी हम बॉक्स लिखते हैं सारी, क्या है लिखने का जितना भी चित्रकारी होती है 2 डायमेंशन होती है, एक एक्स एक्स एक वाई एक्स। अब अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट लगाएं, हम देख लेंगे क्या कि ये एक्स एक्स में कितनी दूर है और वाई एक्स से कितना दूर है, इसकी एग्जैक्ट पोजिशन पता लग जाती है, ठीक है। फिर हम इसके लिखते हैं कोऑर्डिनेट, मान लिया ये 2, 3 आए, लिख दिया ना हमने कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कहाँ लिखे गए, किस पे? कार्टेशियन प्लेन पे, कार्तीय तल पे हमने कोऑर्डिनेट लिखे। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये एक तरह का एक ऑर्डर पेयर है, क्या है एक, ठीक है, ऑर्डर पेयर का मतलब जोड़ा, ऑर्डर का मतलब एक क्रम से एक जोड़ा है। जोड़ा गैस का रूल है कि जो पहले लिखा हुआ है ये एक्स एक्स पे चला हुआ दूरी है और ये वाई, यानी कि ये एक्स एक्स है और एक वाई एक्स, ये आपका एक तरह से ऑर्डर पेयर। इस ऑर्डर पेयर बनाने के लिए ही हम करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। अब कैसे करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, सपोज करो ऐसे ही ले लो आप, ये एक्स है और ये वाई, ठीक है, इन्होंने इन बिंदुओं पर काटा, क्लियर है, ये x बराबर 2 ले लो और ये 3, ये सपोज करो y बराबर 3, ये 4 और ये 5, तो ये बिंदु क्या कहेंगे, ये बिंदु क्या है, 2 और ये 3 और ये 2, 4 और ये 3, 4 2, 5 2 और ये 3, 5, ठीक है। ये क्या था, 2, 3 है, यानी कि एक तरह से एक सेट हमारा क्या था, ये 2, 3 बन गया। ये एक्स एक्स वाले ले लिए हमने, एक वाई वालों का एक अलग सेट ले लिया हमने, 3, 4, 5, इनको कार्तीय तल पे लेके गए, इसकी 2 का 3 के साथ पहले, फिर 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, 100 कर दिया। यानी कि एक सेट ए था जिसके एलिमेंट 2, 3 थे, एक सेट बी था जिसका एलिमेंट 3, 4, 5 है, क्लियर है। इनके एक एक को लेकर इनके एक एक के साथ जो हमने पेयरिंग की, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 को लेकर, ये सारे इतने क्या बने, हमारे ऑर्डर पेयर बने। इनको अलग से अगर ऑर्डर पेयर को लिख दूं मैं, क्या होगा, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 3, 3, 4 और 3, 5, क्लियर।
तो ये सारे के सारे क्या है इसके ऑर्डर, ठीक। और ये ही इन दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इन दोनों की गुणा है। क्योंकि सिंपल अगर आपने देखा, हमने 2 × 3 की अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं क्या आता है 6, कोई एक अदर नंबर आ गया, यानी कि दोनों को हमने कंबाइंड कर दिया। अगर एक 2 है और एक x है, इनको क्या करेंगे, इनको तो बेचारे को 2x ही लिखना पड़ेगा। इनके बीच में यहाँ गुणा अंडरस्टूड है, इसमें 6 हो गया, कंपाइल हो गया। लेकिन जब दो सेट की मल्टीप्लीकेशन करते हैं उनमें ऐसा नहीं होगा कि 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, ऐसा कभी नहीं होगा। ओनली कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में दो सेट्स की मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ना करके वो एक तरह से उनकी पेयरिंग करते हैं। क्लियर है? तो ये जो आए सा रहे हैं ऑर्डर पेयर है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, कोई दो सेट लिए उनके हर एक एलिमेंट के साथ दूसरे सेट का एक एक एलिमेंट, सभी एलिमेंट्स लेकर के जो पेयर बनेंगे वो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। एक एग्जांपल और समझ लो, यदि a बराबर ए बी, ठीक है, और b बराबर 1, 2 और 3 ले लिया, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे लिख सकेंगे, a क्रॉस b। इसे गुणा नहीं बोलना, हम तो बोलते हैं a क्रॉस b, या ये प्रोडक्ट b भी बोल तो कोई इशू नहीं है। अब इसके जो ऑर्डर पे आएंगे क्या क्या आएंगे, a1 a2 a3 b1 b2। क्लियर हो गया? बुक में उठा के देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। अब आप देखो उसमें कि वो समझ में आ रहा नहीं है आपके, एक बार देख लो यहाँ तक। यहाँ कोचिंग में पढ़ाने के लिए वर्तमान में पिछले साल तो शायद 72 टीचर थे, और इस बार काफी कम करके 40 भी कर गए हैं। पहले प्राइवेट पढ़ा लेते थे, रूल आ गया प्राइवेट आदमी नहीं पढ़ाएगा, गवर्नमेंट टीचर ही पढ़ाएगा। सर वो क्या अनुभव है, गवर्नमेंट टीचर जो इतना खास पढ़ाते हैं? मैं तो गवर्नमेंट टीचर हूँ। सर आप तो पढ़ाते हो, लेकिन बहुत से गवर्नमेंट टीचर पढ़ाते हैं। वो अलग चीज़ है, लेकिन गवर्नमेंट की अपनी स्कीम है, अभी इतनी बड़ी योजना है, प्राइवेट आदमी को नहीं दे सकती। दूसरा, इसमें जो पेमेंट मिलती है वो हैंड टू हैंड नहीं मिलती ना पढ़ाने की, जो 1 साल बाद मिलती है। और प्राइवेट आदमी बता देंगे मुझे ऐसा होगी। या दूसरा क्या है कि प्राइवेट वाला कैसा पढ़ा रहा है, उसकी कोई जवाबदेही तय नहीं होती, सरकारी कर्मचारी की जवाबदेही तय है। ये ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रही है, कोई भी अधिकारी, कोई भी CDO DM कोई भी इसे देख सकता है, ऑनलाइन चलती है। के बाद मुझे जाना है एमएस कॉलेज, वहाँ एनडीए पढ़ा रहा हूँ। टीचर तो बहुत है, बच्चे कम पढ़ते हैं। Yes, sir.
अच्छा एक सिंपल और चीज समझो, हम जो आर होता है ये क्या होता है, सेट हो रियल नंबर होता है ना। चलो अब ये बताओ मुझे, एक सेट आर है, एक दूसरा सेट एक और आर ले लिया, और हमें सेट आर आर का हमें क्या निकालना, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, ये समझ में आया नहीं है? दो सेट हैं, दोनों ही रियल नंबर है, रियल नंबर में क्या जितने भी संख्याएं सब आ जाएंगे, उनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो एक्स वाई की फॉर्म में ही आना है। कैसे आएंगे एक्स और वाई, कहाँ से होंगे, कहाँ से होंगे एक्स वाई, रियल नंबर से होंगे। क्लियर है? इसको तो बोलते हैं हम ऑर्डर पेयर, क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। क्लियर? अगर हम इसी का ही हम ये निकाल लें, कार्टेशियन प्रोडक्ट टू सेट्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट, एक तरह से ये थ्री डायमेंशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थ्री डायमेंशनल। तो इसके जो ऑर्डर ये आएंगे, क्लियर, सच दैट एक्स वाई एंड जेड बिलोंग टू आर, और दीज आर कॉल्ड ऑर्डर ट्रिपलेट। ट्रिपल होगा ना, तीन आ गए ना यहाँ पे, उनको ऑर्डर ट्रिपलेट। ये इंग्लिश में रूल आपको पता ही है, अगर तीन संख्याएं हैं तो पहले और दूसरे के बीच कोमा और दूसरी और तीसरे के बीच में एंड लगाते हैं। ये तो नियम पढ़ा हुआ है ना, थोड़ा मतलब इस चीज का भी हमें अभ्यास होना चाहिए। क्लियर है? इसी के साथ आप ये देख लो, अगर कोई भी दो ऑर्डर पेयर इक्वल है, क्या है, एनी टू इफ, यदि दो ऑर्डर पेयर आर इक्वल, देन पेयर कोरस्पोंडिंग corresponding element will be equal. समझे? तो अगर कोई दो order pair, two order pair, ठीक है, बराबर है, तो उनके corresponding element कैसे होंगे, equal होने चाहिए। corresponding का मतलब उनके संगत, ठीक है। संगत का मतलब सपोज करो एक ऑर्डर ए बी है ऑर्डर पेयर, और दूसरा ऑर्डर पेयर हम कह रहे हैं कि एक्स वाई, और ये दोनों क्या है, इक्वल। ये दोनों इक्वल तभी होंगे इफ ए इक्वल टू एक्स एंड बी इक्वल टू वाई। अगर ऐसा नहीं है तो ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं होंगे। इसका एक एग्जांपल ले लीजिए आप, ये कह रहा इफ एक्स प्लस वन कोमा वाई माइनस टू, ऑर्डर पेयर हो गए, इक्वल किसके हैं, थ्री एंड वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, निकाल लो उसकी वैल्यू, कैसे निकालेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। x बराबर, क्लियर है? क्या क्या हमने, हमें पता है कि टू ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होंगे जब उनके कोरस्पेंडिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, तो दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इज दिस। क्लियर हो गया? लिख लिया सारा, ये लिख लो, उसे लिख लो आप।
लिख लिया ये। चलो अब आओ आप। अच्छा एक चीज बताओ, एक सेट ए है जिसमें दो एलिमेंट है और एक सेट बी है उसमें तीन एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कुल कितने एलिमेंट होंगे? समझ में आ गया? क्योंकि इस एक एलिमेंट की तीन के साथ ऑर्डर पेयरिंग, फिर दूसरे एलिमेंट की तीनों के साथ है, तो कितने हो जाएंगे? सिक्स। क्लियर हो गया? चलो इसी के साथ ए क्रॉस बी में आपने टोटल एलिमेंट बताए सिक्स आ गए। कितने आगे? सिक्स ऑर्डर पेयर आ गए। चलो जी यही, इसको मैं एम मान लू, इसको एन मान लू, तो कितने ऑर्डर पेयर बन गए? एम एन। यानी कि एम एन जो ऑर्डर पेयर होंगे वो इस तरह लिख के होंगे, इसमें इस तरह ऑर्डर पेयर बनेंगे सारे में, कोमा लगा हुआ होगा, इनको सबको एक ब्रैकेट में बंद कर सकता हूँ, एक सेट बन गया। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। अब ये जो सेट बना है इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं? कितने हैं? सिक्स। तो ये एग्जांपल दिया, लेकिन मैं सिक्स को फिर एम एन में बदल दिया, क्योंकि इसमें दो थे, इसमें तीन तो सिक्स हुए, एम तो कितने हो गए? एम एन। इसमें कितने ऑर्डर पेयर हैं? एम एन हो गए ना। क्लियर है यहाँ तक? यह कोई डाउट है? यानी कि अगर सेट ए में एम एलिमेंट है, सेट बी में एन एलिमेंट है, तो जो ए क्रॉस बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट से जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे उनका अगर मैं एक सेट बनाऊं, उसमें टोटल कितने ऑर्डर पेयर आएंगे? एम एन आएंगे। अब जब इसमें एम एन ऑर्डर पेयर है, यानी कि एम एन एक तरह से एलिमेंट मान लूं मैं इसको, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे बताओ? कितने सबसेट बनेंगे? सिंपली बात करूं मैं, अगर किसी सेट में एक दो तीन करके इस तरह सपोज करो तीन एलिमेंट है, तो कितने ऑर्डर, कितने सबसेट बनते हैं इसके? सबसेट संख्या बताओ कितनी बनेगी? भूल गए का टू की पावर थ्री। यानी कि जितने उसमें एलिमेंट होते हैं उसकी पावर कितने कर, टू की पावर तो नहीं कर देते हैं, ये तो समझ में आ गया आपकी। तो इसमें कितने एलिमेंट है? एम एन। तो उसके सबसेट कितने बनेंगे? टू की पावर बन सकते हैं ना सबसेट, पहला ऑर्डर पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह देगा, पहले दूसरे तीसरे, इस तरह करके टोटल टू की पावर एम एन इसके सबसेट बनेंगे। क्लियर है? ये चीज समझ में आई? वैसे तुम इसे एक बार अपनी कॉपी में लिख लो, क्योंकि आपकी एक जगह नहीं मिलेगा लिखा हुआ, क्योंकि यहीं से दिमाग घुमाने वाली चीज अब शुरू होगी थोड़ी। लिख लिया? Yes, sir. चलिए, सबसे ज्यादा दिमाग आपको इसी में घिसना पड़ रहा है, और में इतना दिमाग भी लगाना, क्योंकि ये अब्स्ट्रैक्ट मैथ होता है एक तरह से, बाकी में तो कुछ मिल जाएगा आपको, कैलकुलस करना, ट्रिग्नोमेट्री, उसमें कुछ चीजें आ जाए, इसमें तो कुछ चीजें तो ऊपर को निकल जाती है। ठीक है, चलिए एक डेफिनेशन लिख लीजिए आप। डेफिनेशन, ये रिलेशन आर ए रिलेशन आर फ्रॉम ए, जैसा बुक में से देख लियो, बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है,
पेज नंबर है ये 34। ये लिखिए, ये लिखिए, ये समझो। इससे पहले आप यहाँ एक सेट हमने मान लिया P बराबर ए बी सी, ठीक है। एक सेट Q ले लिया हमने अली भानु बिनोय चंद्र और दिखिया और अब यहाँ पे हम निकालते हैं P क्रॉस Q, यानी कि ये एक ऑर्डर पेयर बनाते हैं हम टोटल P क्रॉस Q के। कितने बनेंगे? A अली, A भानु, ठीक है, डॉट डॉट करके A दिव्या तक आएगी, एक ऑर्डर पेयर ये बन गया। इसी तरह से B अली, बी भानु, डॉट डॉट बी दिव्या, फिर सी अली, सी भानु, डॉट डॉट सी दिव्या। टोटल कितने ऑर्डर पेयर बने? बन जाएंगे ना इतने? पकड़ो ये ऊपर करो थोड़ा सा। ठीक है, कुल कितने ऑर्डर पेयर बन जाएंगे बताओ भाई? अरे कितने ऑर्डर पेयर बन गए? 15 बन गए ना, क्योंकि फर्स्ट में कितने एलिमेंट है, दूसरे में कितने हैं? 3 5 15। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, ठीक। अब मैं इसमें तो कुछ ऐसे ले लूं कि P से तो एक ऐसा एलिमेंट मान लिया हमने ऑर्डर पेयर में A ले लिया, और इसके साथ उसमें से एक ऑर्डर पेयर लूं जिसमें नाम भी A से स्टार्ट हो रहा हो, क्या ले सकूं उसके साथ? अली। और कोई लिए जा सके इसके साथ? B के साथ क्या ले लूं आप? भानु और बी बिनोय ले लिया। Yes, और सी के साथ चंद्र, इसी तरह डी के साथ क्या जाएगा? दिव्या। अच्छा है नहीं दिव्या, फालतू ही आ गई है, काम नहीं होगा। चलो ऐसे ऑर्डर पेयर हमें कितने मिले? 4। ए अली, बी भानु, बी बिनोय और सी चंद। टोटल थे कितने? हमारे काम के कितने आए? 4। अगर मैं आपसे पूछूं, अब ये जना रीजनिंग का सवाल हो गया कि इन ऑर्डर पेयर को लिखने में क्या समानता है, क्या इक्वेलिटी नजर आई आपको, क्या कंडीशन आई, ऐसी क्या कंडीशन थी जो हमने इसमें लगाई जिसके आधार पर हमने 4 छाटे? क्या कंडीशन थी? लेटर। हाँ लेटर। क्या लेटर? हमने ऐसा किया कि पहले सेट का जो लेटर लिया हमने, ठीक है, और दूसरे सेट से उसी लेटर से नाम शुरू हुआ, उसी लेटर से नाम, ठीक है। तो ये समानता है, ये बात कही हमने। हमने ऑर्डर पेयर इस आधार पे लिए हैं कि सेट ए से अगर हमने एक एलिमेंट ए लिया है तो बी सेट से वही लिया है जो उस लेटर से स्टार्ट होता है, ये कंडीशन है। ये हमने एक तरह से क्या बनाया? एक रूल बना दिया, ये एक नियम हो गया ना ये, ठीक है। और इस रूल और नियम को ही हमें एक तरह से ये भी कह सकते हैं, हमने एक संबंध स्थापित किया हमने। yes, कह नहीं सकते भाई, एक संबंध है। इस संबंध को ही हम अंग्रेजी में एक रिलेशन कह देते हैं,
क्या कह देते हैं इस रिलेशन को ये हम रिप्रेजेंट कर देते हैं आर से, ठीक है। और ये रिलेशन किसके बीच में स्टार्ट हुआ है, ये हो सकता है हम इसको पी रिलेट किससे किया हमने क्यू वाले को। अगर इसके एलिमेंट की बात करूं तो ए रिलेट अली ऐसे भी लिख सकता हूं। ए का संबंध आर से है, किस आधार पे वो नियम हमने अलग बताए दिए। तो ये एक्चुअल में ये एक रिलेशन है। अब आगे हम जो पढ़ेंगे, अब तक हमने क्या पढ़ा, सेट, सेट के बाद नंबर आता है रिलेशन का, ठीक, और रिलेशन के बाद आता है फंक्शन आता है। तो अब रिलेशन आप समझ में आया। अब जैसे रिलेशन क्या है, सपोज करो आपके कितने चाचा हो गए, सात है, लड़के हैं सभी के। अब मैं यहाँ पे लिख दूं एक सेट ए ले लूं, मान लिया इनके चाचा ताऊ फादर से ए बी सी डी मैंने नाम दे दूं, ए बी सी डी ई एफ और जी हो गए सात। ये तो पेरेंट्स हो गए। बच्चों की बात करूं, एटलीस्ट जो जेठा बच्चा है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, उसके लिए नाम दे दूं मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बच्चे हो गए। अब मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लूं, कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, 49 बने, क्लियर। अब उन 49 ऑर्डर पेयर में से सात ऑर्डर पेयर हमें से मिल जाएंगे। सपोज करो कि ए का पेरेंट्स 3 है, ए के साथ 3 मिल जाएगा, बी का सपोज करो 1 हो गया, सी का 2 हो गया, डी का 5 हो गया, ई का 4 हो गया, एफ का 7 हो गया और जी का 6 हो गया। उन 49 में से हमें सात ऑर्डर पेयर ऐसे मिल गए जिसमें हमें पता लग रहा है कि पहले पिता का नाम है फिर उसके लड़के का, जिट्ठे का, पहले पिता का नाम फिर उसके लड़के का हो गया। तो यहाँ इनमें क्या संबंध है, एक तो पिता है और दूसरा उसकी संतान। भाई संतानों ऑर्डर पेयर तो दूसरों की संतानों के साथ भी बना, तो यहाँ पिता और संतान का क्या बना, एक संबंध बना, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं रिलेशन, इसी को हम बोल देते हैं आर। अब क्या निकल गया रिलेशन, यानी कि अगर दो सेट हैं, ठीक है, तो रिलेशन क्या होगा, दो सेट के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, जो उनका कार्तीय गुणनफल होगा, उससे जो ऑर्डर पेयर आएंगे उन्हीं में से ही उसके जो सबसेट होंगे वही तो रिलेशन होंगे। ऑलरेडी ये भी एक सबसेट है, ये भी एक सबसेट है, ये भी एक सबसेट है, ये सारे क्या है, सबसेट है, और ये सबसेट ही क्या कहलाते हैं, रिलेशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सबसेट होते हैं उन्हीं के बीच रिलेशन डिफाइन होता है। ए थ्री लिखा हुआ ना, ये ऑर्डर ए थ्री, इसको हम लिख सकते हैं ए रिलेट 3, बी रिलेट 1, इस तरह से हम इनको हम लिख सकते हैं। अब आप वो डेफिनेशन पढ़िए, क्या है डेफिनेशन, बताओ मुझे क्या है? अब सुनो, ए रिलेशन आर, चलो मुझे पढ़ना पड़ेगा, लो, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट। एक नॉन एम्प्टी सेट तो हो गई, अगर नॉन एम्प्टी सेट हो, एम्प्टी सेट हुआ, सपोज करो दो सेट हैं ए और एक बी, अगर बी बराबर एम्प्टी सेट हो या ए बराबर एम्प्टी सेट हो, तो जो उनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो एम्प्टी आएगा, और जब क्रॉस प्रोडक्ट एम्प्टी आएगा क्या रिलेशन बन जाएगा। तो इसलिए बात किसी कर रहे हैं हम रिलेशन की, इसलिए उन्होंने कंडीशन लगा दी नॉन एम्प्टी सेट कि नॉन एम्प्टी लेंगे। क्या बोल रहा है ये, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी लिख दिया, चलो दोनों खाली नहीं है भरे हुए हैं, ठीक। सेट बी इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि ये जो ए आर बी होगा एक रिलेशन ए और बी के बीच होगा, जो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा और उसके जो सबसेट होंगे, ये तो कह रहा ना यो, सबसेट बी इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी,
यानी कि जो रिलेशन आर है ना, जो उसे छोड़ दो, क्या हमें पढ़ रहा ना, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इन दोनों के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसी का ही सबसेट होगा, वही करके आए ना हमने, वो बता दिया था ना मैंने पहले। चलो द सबसेट इज ड्राइव बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप, द सबसेट इज ड्राइव बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, यानी कि जो रिलेशन होगा वो किसके बीच होगा, पहले साइड के पहले एलिमेंट से और दूसरे साइड के दूसरे एलिमेंट, यानी कि जो ऑर्डर पेयर होगा, जो पहले साइड उसका एलिमेंट पहला होगा और दूसरे वाले का दूसरा होगा, उनके बीच में एक रिलेशन होगा। द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस बी, द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। अब ये जो सबसेट है इसके ऑर्डर पेयर किस फॉर्म में होंगे, ए और बी के रूप में, क्लियर। अब जो ये बी है ये इसकी इमेज कहलाती है, क्या कहलाती है, भाई ए की इमेज बी है, क्लियर। अगर ये पिता है तो ये इसका पुत्र है, कहने का मतलब ये ए बी से रिलेट हो गया, यानी बी को हम क्या बोलते हैं, ए की इमेज बोलते हैं, ठीक है। अब ये समझ में आया नहीं रिलेशन, ये बताओ इसको आप इस तरह और समझ लो, वेन डायग्राम से भी ए बी सी और भी हमारे पास क्या क्या नाम थे, ए अली बी भानु। सर ये हम सेकंड एलिमेंट क्यों ले रहे हैं, फर्स्ट क्यों नहीं ले सकते। एक मिनट, बिश्नोई चंद्रा और दिव्या, सेट किस में कह रहे हैं आप, बी का, बी का, बी का कौन सा ले, सेट बी का, नहीं तो इसका भी तो फर्स्ट एलिमेंट ही लेंगे, ऑर्डर पेयर जो बनाएंगे हम, ऑर्डर पेयर पहला इसका एलिमेंट फिर इसका एलिमेंट फिर इसका एलिमेंट फिर इसका एलिमेंट, तो इस तरह से लेंगे ना। वो तो मैं रैंडमली इसमें लिए नहीं भाई, ए के साथ मैंने तीसरा ले लिया, वो भाई क्या तक कौन सा ऑर्डर पेयर में पिता पुत्र आए, वो तो इस चीज में है ना, एलिमेंट तो सारे लिए जाएंगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ जब ऑर्डर पेयर हम लिखेंगे किसी ऑर्डर पेयर में, मतलब जैसे हम क्या कहते हैं इसको एक्स एक्स कहते हैं, अगर इसको हम कार्तीय तल पे लेके जाए इसको क्या मानते हैं, वाई कोऑर्डिनेट या एक्स कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे भी ये कह रहा कि ये जो ऑर्डर पेयर है इसमें जो बी एलिमेंट है ये इसकी इमेज है, ठीक है, इतने क्लियर। अब यहाँ हम क्या रिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, हमने एक रिलेशन आर ऐसा बना रहे हैं क्या कि जिस लेटर से नाम शुरू होगा वही नाम इधर देख लें, ए से स्टार्ट वाले लेटर कौन से, तो ए किससे रिलेट है, क्या इनमें से और किससे से रिलेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रूल बना रखा है हमने, एक रिलेशन बना रखा है क्या कि फर्स्ट लेटर इसी लेटर से जो स्टार्ट होगा, बी किससे रिलेट है और सी सी, बाकी तो अगर इनकी बात करूं ऑर्डर पेयर कितने बन जाएंगे, एक ऑर्डर पेयर इसके साथ भी इसके साथ भी इसके साथ भी सारे मिलेंगे, लेकिन लेंगे तो हम सिर्फ इसमें से एक ही जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, समझ रहे। इसे कई बार पढ़ना पड़ेगा आपको, जितने अच्छी तरह से मैं समझा दिया बहुत ही रेयर केस में कहीं आपको समझने को मिला, यूट्यूब पे भी सर्च करके देख लेना अगर इस तरह को समझा दे, क्योंकि जिस तरह मैं यहाँ से एक्सप्लेनेशन करके समझाना, अगर आप इसे छोड़ दो ना 5-4 साल और आप इसे भूल गए, खुद भी पढ़ोगे तब भी समझ में नहीं आता, ये इतना टफ चीज़ है। और जो अभी करंट में मान लीजिए जिसको 12th कर रहा हो, 12th में पढ़ा दिया गया हो या कर चुका हो, उससे पूछना को रिलेशन समझा दे मुझे, समझा नहीं पाएगा हर आदमी के बस की काम नहीं है। फिर अब है डेफिनेशन नंबर 3 है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन आर, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट इन द रिलेशन आर सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन आर, द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द सेट आर, नोट दैट रेंज इज सब सेट कोडोमेन। दो सेट हुए, एक सेट ए है, दोनों डेफिनेशन यही समझा रहा, क्लियर है। Thank you.
लिए एक लिख लो अजय, एक लिख लो आप अमित, ठीक है, एक बेबी लिख लो, एक चाचा लिख लो, चाय भी लिख लो, लिख लिया हमने। इसमें जितने भी एलिमेंट वो बोलते हैं ना डोमेन, क्या बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं उसको, ठीक। अब एक एयर के बीच कोई ना कोई एक रिलेशन होगा जी मैम, नहीं एग्जाम तो अदर रूम्स में, तो यहाँ पे क्या है हो सकता है, पता नहीं उधर हो सकता है, चल रही हो उधर तो है, ऊपर तो कोई फ्लोर नहीं, ऊपर नहीं तो कोई फ्लोर, ठीक है। हमने एक रिलेशन डिफाइन किया था, कौन सा ये किया था, एक इसमें बेचारी दिव्या को, ठीक है, क्लियर। जितने एलिमेंट इसमें है सारे में टोटल, वो क्या कहलाते हैं, फोटो, ये आगे बहुत काम आएंगे, डोमेन फोटो इसको बोलते हैं हिंदी में, सह, क्लियर। और इन एलिमेंट की जितने भी इमेजेस इसमें है, यानी कि जो इन सारे एलिमेंटों से जो जो एलिमेंट यहाँ पे रिलेट हो गए, ठीक है, ये वाले ये इसकी रेड को बोलते हैं परिसर, ठीक। अगर तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी रेंज होती है वो सबसेट होती है किसका, फोटो होगी, नहीं क्लियर है। जैसे फर्स्ट जो सेट है वो डोमेन है, दूसरा जो सेट है वो कोडोमेन है, जिनकी जो जो इमेजेस मिल रही है वो रेंज, ये आपका डोम, आप एक तरह समझ लो, आप रिलेशन समझ में आ गया आपका, उसका डोमेन क्या है, वो डोमेन क्या है, रेंज क्या, क्लियर है। रिलेशन में भी रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली आइदर बाय द रोस्टर मेथड और बाय द सेट बिल्डर, कोई रिलेशन एल्जेब्रिकल भी हो सकता है, यानी कि रिलेशन क्या चलेगा, ऑलमोस्ट तब चलेगा एक्स और वाई के बीच में, अगर कोई रिलेशन है तो रिलेशन आप ऐसे मिल सकता है कि वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टू लिखा हुआ हो, ठीक है। एक तरह की इसने एक रिलेशन आर, वहाँ जो पिता पुत्र की बात चल रही थी हमने, वहाँ जो पिता पुत्र रिलेशन था वो था आर, वो था, यहाँ r क्या हो गया कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर मैं x बन लूं तो y कितना आ गया 3, तो ये एक फार्मूले के रूप में एल्जेब्रिक भी हो सकता है, रोस्टर फॉर्म में भी हो सकता है, और आपके सेट बिल्डर फॉर्म में भी हो सकता है, तीसरा आपका विजुअली इस डायग्राम के द्वारा भी हो सकता है, ठीक है। एंड एरो डायग्राम, इसको बोलते हैं हम एरो डायग्राम, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। एक है, एक सेट दिया हुआ है ए बराबर 1 2, एक सेट दिया हुआ है बी बराबर 3 4, और ये पूछ रहा है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, क्या पूछ रहा हूं, नंबर ऑफ रिलेशन बताओ, कुछ नहीं पूछ रहा हूं, निकलवा पूछ रहा आपसे कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, कितने रिलेशनों के ऑर्डर पेयर 4 होंगे, ऑर्डर पेयर तो 4 होंगे,
रिलेशन वन पर जाके पढ़ते ना अच्छी तरह से। अगर ये चीज दिमाग से निकल गई ना तो समझो पूरा ही चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। एक सेट हमने ए बनाया, बनाया क्या भाई साहब ने दे रखा, और एक बी बोल थ्री फोर, ठीक है। जब हम रिलेशन की बात करते हैं सबसे पहले क्या निकालते हैं? सबसेट बाहर निकालते हैं, सबसेट तो उसके बाद निकाल दो सर, उससे फिर रिलेशन थोड़ी बनती है। सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट होगा क्या होगा? वन टू वन थ्री, फिर टू थ्री, और फिर टू, ये होगा ना ए क्रॉस बी। फिर कहाँ पे वन टू वन थ्री आऊंगा, ये वन फोर वन थ्री, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि जितने जो रिलेशन होंगे वो इसके सबसेट होंगे। इनको नॉर्मली ए बी सी और डी मान लिया, यानी कि एक तरह से आपका ये एक अलग से एक सेट बन गया मान लिया। इसके कितने सबसेट होंगे? एक सेट है जिसके अंदर चार एलिमेंट है, इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने? टू की पावर फोर। जब इसके टू की पावर फोर है तो इसके टू की पावर फोर होंगे सबसेट, ठीक है। यहाँ एलिमेंट दिख रहे थे, यहाँ ऑर्डर पेयर भी देख एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हुए? तो जितने नंबर ऑफ सबसेट होते हैं उतने ही रिलेशन नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने आ गए? रिलेशन इज टू की पावर, यानी कि हमारी जब भी रिलेशन की बात करेंगे रिलेशन हमेशा दो सेट के बीच जो रिलेशन आएगा वो इनके क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा कार्टेजियन प्रोडक्ट होगा उसके जो ऑर्डर पेयर आएंगे उन्हीं के बीच तो रिलेशन होगा। क्या रिलेशन हो सकता है सोचोगे? कुछ प्रत्यक्ष देख सकते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि वाई वाई मतलब दूसरा एलिमेंट जो है किसी उसका पहले एलिमेंट से दो अधिक है, ये क्यों मैंने रूल बना दिया। इस रूल को कौन फॉलो कर रहा? ये फॉलो कर रहा और एक ये फॉलो कर रहा, तो कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? वन थ्री फोर टू फोर, ये भी एक रिलेशन है, ये भी क्या है एक, क्या इसका सबसेट नहीं है ये? जब दो दो एलिमेंट को लेकर बनाएंगे, मैं एक ऐसा लिख दूं कि वाई बराबर एक्स प्लस थ्री, तो सिंगल कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा। ये ऐसा एक नियम ये बना दूं मैं वाई इक्वल टू टू एक्स कि जो बाद का एलिमेंट है पहले का दो नौ कौन सा आ जाएगा? अकेला ये आ जाएगा। तो इस तरह से जितने भी जो रिलेशंस होंगे वो इसके सबसेट जितने बनेंगे वो सारे अपने आप में एक रिलेशन है। मान लिया फाई है तो फाई में कोई रिलेशन नहीं है तो वो अपने आप में एक रिलेशन मान लिया गया। बाकी एक एक को लेगा उनके बीच रिलेशन है, जब दो दो की पेयर करेंगे उनमें हो सकता है कोई ना कोई रिलेशन बन जाए। तो नंबर ऑफ जो रिलेशंस होंगे वो टू की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। यहाँ से आप बिल्कुल डायरेक्ट आ सकते थे, इसमें दो एलिमेंट, इसमें भी दो एलिमेंट, ए क्रॉस बी में कितने हुए? फोर एलिमेंट, और जो नंबर ऑफ सबसेट टू की पावर फोर, तो नंबर ऑफ रिलेशन भी टू की पावर फोर।
अच्छा मुझे मैं निकलना, क्योंकि अगर 10 मिनट 5 मिनट मुझे होगी ना यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा, एग्जाम छूटा का। अगर मुझे जाना है मैं स्कूल, कल राइट टाइम आ जाइयो 3 बजे का, मैं कल आप कल से राइट टाइम आ जाइयो। तो 2 दिन ट्रेनिंग की वजह से हमारे स्कैन में फंसा रहा हूं मैं। थैंक यू सर, वेलकम।